YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको इस विषय कोड 1001 यानी कि मैथ्स फर्स्ट के अंदर एज ए रेगुलर स्टूडेंट या एज ए एक्स स्टूडेंट अपनी तैयारी करके पढ़ाई करके अच्छे से एग्जाम देना है और अच्छे अंक लेके आने, अच्छी ग्रेड हासिल करनी है। आप जानते हैं कि मैं 25 दिसंबर 2023 से रोजाना एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। आज 5 जनवरी है, उस दृष्टि से ये 12वां वीडियो है। अब तक मैं 70 पेज कुल मिलाकर काम में ले चुका हूं इन 11 वीडियोस के अंदर। ये आज पेज नंबर 71 है। आप जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ क्वेश्चन कराता हूं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाता हूं थ्योरी के हिसाब से और हमेशा आपको असाइनमेंट डाला करता हूं, अगले वीडियो में उसको सॉल्व भी करता हूं। उस दृष्टि से आज पहले तो मैं ये दो सवाल कराऊंगा जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये वाला और ये वाला दिख रहे हैं आपको, भी सॉल्व करेंगे। उसके अलावा मैं जो पिछला असाइनमेंट था हमारा 11वां, उसके ये जो 6 क्वेश्चन मैंने डाले थे असाइनमेंट में, ये आपको लिखवा दी थी मैंने पिछली बार, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इनको सभी को मैं सॉल्व करूंगा और आखिर में मैं आपको ये क्वेश्चंस बताऊंगा करने के लिए होम असाइनमेंट। क्यों नहीं इनको पहले देख लें, ये होम असाइनमेंट है, आपको आज वीडियो देखने के बाद करें। पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट टेन 6 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 66 डिग्री इंटू 10 78 डिग्री बराबर 1। दूसरा, प्रूव दैट cos 2b माइनस cos 2a अपॉन cos 2b प्लस cos 2a इज इक्वल टू 10a प्लस b इंटू 10a माइनस b। तीसरा, प्रूव दैट sin 5x, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्रूव दैट sin 5x माइनस 2 sin 3x प्लस sin x अपॉन cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू 10x। चौथा, अगर 10 15 डिग्री की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 है तो पता करो कि 10 7.5 डिग्री कितना होगा। इसका आंसर आएगा रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 2। ये आसान सवाल नहीं है, टफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। आप करो, कोशिश करो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। पांचवा, अगर कोसेक 225 डिग्री की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2 हो, गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 112 डिग्री और आधा डिग्री और, यानी कि साइन 112.5 डिग्री, यानी कि 1/2 डिग्री। आंसर आपके सामने पड़ा है, रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 और इसका भी अंडर रूट। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो होम असाइनमेंट का इस वीडियो में, कॉस 135 डिग्री आपको दे रखा है माइनस 1/2, इट इज गिवन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 67.5 डिग्री, कॉस 67.5। इसका आंसर आएगा लगभग वैसे ही है, केवल प्लस ही देगा पर माइनस है, रूट 2 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 इसका अंडर रूट। मैं आपको हर वीडियो में अलग प्रकार के क्वेश्चन देता हूं और उनको आप अगर करेंगे तो बहुत मेहनत करके मैंने काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे मैंने कलेक्शन आप लोगों के लिए किए, इसी हिसाब से अगर पढ़ाई कराएंगे तो आपके निस्संदेह ए प्लस ग्रेड ही आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। और अगर आपको वास्तव में लग रहा है आपको फायदा हो रहा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को इतना सब्सक्राइब करो कि मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 2-3 हजार बढ़ जाएं अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर। अभी 1.5K है, 1500 है, हम चाहते हैं कि कम से कम 3000 के तो हो ही जाए आपके परीक्षा होने तक, क्योंकि लगभग इस परीक्षा में 6.5 प्लस 7.5 करीबन 14 से 15 हजार बच्चे बैठेंगे एग्जाम देने। 6,500 तो रेगुलर है और उससे कई ज्यादा एक्स है जिनकी पेपर बैक है, तो अगर 14-15 हजार बच्चे बैठते हैं और उनमें से ज्यादातर बच्चे फायदा उठाते हैं तो उनको तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए ना, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जब बच्चे, आप जो रेगुलर फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं ना, वो जब अगले अब आएंगे सेकंड सेम आएंगे थर्ड सेम आएंगे फोर्थ फिफ्थ सिक्स में, तो आपको मेरे और वीडियोज मिलते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। ना केवल सब्सक्राइब करें बल्कि मेरे वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट्स भी डालें।
शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एल एच एस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू 3/2, ये हमको प्रूव करना है। मैंने लिख दिया एल एच एस बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस ए प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री माइनस ए लिख दिया। अब यहाँ ये फॉर्मूला काम में लूंगा, आपको मैंने बताया था कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर ए जब इधर ले आएंगे तो 1 माइनस कॉस 2a हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2a बाई 2। ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो बराबर ये साइन स्क्वायर ए है तो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस ए है तो 1 माइनस कॉस 2a का मतलब इसका दुगुना करेंगे, 120 का दुगुना 240 प्लस a का दुगुना 2a अपॉन 2 प्लस 1 माइनस कॉस 2a इसका दुगुना करेंगे, 120 का दुगुना 240 माइनस a का दुगुना 2a अपॉन 2 इस तरह से। अब आप देखें ये दो 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 आ रहा है, एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 में 2 का भाग लगा, एक 1 माइनस कॉस 2a ऊपर आ गया प्लस 1 माइनस कॉस 240 है ना, इसको मैं 180 डिग्री प्लस 60 कर देता हूँ प्लस 2a 2 से 2 का भाग लगे तो 1 आ गया, इसको गुणा से करेंगे तो प्लस 1 माइनस कॉस, यहां पर भी मैं इसको करूंगा 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस 2a। यहां एक काम करते हैं हम 60 प्लस 2a को ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहां भी 60 माइनस 2a को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ध्यान से देखें इसको आप, बराबर 2 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 2 माइनस कॉस 2a माइनस कॉस 2a माइनस, अब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा जो होता है आप जानते हैं माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस कॉस 60 प्लस 2a, कॉस 180 प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस तो पहले से था और ये माइनस तो पहले से था और इसके लिए लिख दिया हमने माइनस कॉस और थीटा इधर 60 प्लस 2a प्लस 1 माइनस, फिर ये कॉस 180 प्लस थीटा तो माइनस कॉस थीटा तो माइनस कॉस 60 डिग्री माइनस 2a ब्रैकेट का जरा ध्यान रखें इक्वल टू। अब देखिए 2 ये है, 2 तो हम कर दिया, आगे देखेंगे तो ये एक और है तो 3 कर देते हैं, 3 माइनस कॉस 2a, अभी वीडियो बना रहा हूँ साथ में, चाय आ गई गर्म गर्म तो चाय भी पीता जाऊँ, सर्दी के अंदर अच्छा रहता है। हाँ तो माइनस कॉस 2a 2 और 1 3 माइनस कॉस 2a माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस 2a, यहां भी माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस 60 डिग्री माइनस 2a। अब यहां आप देखेंगे कि मैं कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला लगा दूंगा, देखिए कॉस c प्लस कॉस d क्या होता है 2 कॉस c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा अगले पेज पर, क्या लिखूंगा
थ्री माइनस कॉस टू ए पे देते हैं बराबर 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 लगाने के साथ ही लाइन खींचो बटे वाली थ्री माइनस कॉस टू ए। अब देखिए कॉस सी प्लस कॉस डी टू कॉस सी प्लस डी बाय टू टू कॉस सी प्लस डी बाय टू यानी कि सिक्सटी प्लस टू ए प्लस सिक्सटी माइनस टू ए सिक्सटी प्लस टू ए प्लस सिक्सटी माइनस टू ए बाय टू इंटू कॉस सी माइनस डी तो 60 प्लस टू ए और जब माइनस करेंगे तो माइनस 60 हो जाएगा और माइनस का प्लस टू ए हो जाएगा अपॉन टू और अपॉन टू तो ये है ही तीन माइनस कॉस टू ए प्लस टू कॉस ये दो ए से दो ए कट जाएगा साठ और साठ 120 का आधा होता है 60 डिग्री इंटू कॉस यहाँ पे साठ और साठ कट जाएगा दो ए चार ए बटा दो ए होता है बटा दो तीन माइनस कॉस दो ए प्लस दो कॉस 60 वन बाय टू होता है और इंटू कॉस टू ए ये दो से दो कट जाएगा तो तीन माइनस कॉस दो ए प्लस कॉस दो ए इंटू ए कॉस दो ही होता है बटा दो और माइनस कॉस दो ए से प्लस कॉस दो ए कट जाएगा क्या रह गया तीन बटा दो जो कि राइट हैंड साइड था हेंस इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा इसका मैं एलएचएस ले रहा हूं एलएचएस बराबर एलएचएस क्या है वन प्लस कॉस फाइव बाई एट वन प्लस कॉस फाइव बाई एट वन प्लस कॉस इसके बाद आ रहा है आपके थ्री फाइव बाई एट फिर वन प्लस कॉस फाइव फाइव बाई एट और वन प्लस कॉस सेवन फाइव बाई एट वन थ्री फाइव सेवन वन थ्री फाइव सेवन ये है बराबर। एक तो उसकी चाय के ले लूं भाई बीच में ठंडी हो रही है अब आप देखें ध्यान से अगर तो पाई बाई एट मैं इसको थोड़ा सा काट देता हूं यहां से आप अगर देखेंगे पाई बाई एट प्लस सेवन पाई बाई एट ये वाला साथ और ये दो साथ रखेंगे तो ये एट पाई बाई एट यानी कि पाई होता है और अगर आप देखेंगे थ्री पाई बाई एट प्लस फाइव पाई बाई एट ये भी पाई होता है तो हम क्या करेंगे सेवन पाई बाई एट की वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस पाई बाई एट और यहां से क्या करेंगे पांच पाई बटा आठ की वैल्यू निकालेंगे पाई माइनस थ्री पाई बाई एट आपको भी इस प्रकार से एग्जाम में करना चाहिए कोई चीज समझानी हो ना एक्स्ट्रा तो बॉक्स बना के समझा दीजिएगा इजिकल टू अब मैं वन प्लस कॉस पाई बाई एट को तो लिख रहा हूं एज इट इज वन प्लस कॉस थ्री पाई बाई एट को भी एज इट इज वन प्लस कॉस पांच पाई बटा आठ को लिख रहा हूं मैं पाई माइनस तीन पाई बटा आठ
पाई माइनस 3π/8 और 1 cos 7π/8 को लिख रहा हूं पाई माइनस π/8। अब आप जानते हैं कि cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। पाई मतलब 180 डिग्री, cos 180 डिग्री प्लस थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। ये तो 1 cos π/8 है, ये 1 cos 3π/8 है, और ये cos पाई माइनस थीटा cos चाहिए पाई, अगर मैं माइनस भी कर दूं ना तभी माइनस रहेगा। cos पाई प्लस थीटा और cos पाई माइनस थीटा दोनों ही माइनस cos थीटा होते हैं, तो ये हो जाएगा 1 cos पाई माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा और cos 3π/8। और ये 1 ये भी माइनस cos π/8। अब आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम चाय को पूरी कर लेते, ठंडी हो रही बिल्कुल। थैंक यू, चाय पूरी हो गई। सॉरी आपको कोई आपत्ति हुई हो तो, डिस्टर्बेंस हो जाता होता ना बीच में चाय पीने से। अब देखिए 1 cos π/8 और 1 cos π/8 को साथ साथ लिख देंगे, 1 cos π/8 इंटू 1 cos π/8 और 3π/8 को इसके साथ लिख देंगे, 1 cos 3π/8 इंटू 1 cos 3π/8। अब देखो हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये बहुत आधारभूत बातें हैं बीजगणित की, जो आपने कक्षा 7, 8, 9, 10 में बहुत पढ़ी होंगे, गुणनखंड वगैरह आपने किए होंगे। ये गुणनफल है, ए प्लस बी का ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। इसको अगर ए मान लें 1 को, ये भी ए है प्लस या माइनस, ये बी है वो भी है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस पाई बाई एट का करेंगे तो कॉस स्क्वायर पाई बाई एट, सॉरी ये 1 स्क्वायर आ गया ना, ये बिल्कुल सही है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई एट इंटू 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 cos² π/8 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 cos² 3π/8। अब देखिए हम जानते हैं कि 1 cos² θ जो होता है वो sin² θ होता है, आइडेंटिटी है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं। ये जो दूसरा है सवाल, ये वाला ये दूसरा क्वेश्चन, ये वाला इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो 1 cos² π/8 इंटू 1 cos² 3π/8 ये हो जाएगा sin² π/8 और वो हो जाएगा sin² 3π/8। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं ए बी का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, घातांकों का नियम। ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को मैं ए इंटू बी का होल स्क्वायर कह सकता हूँ, तो यहां मैं इसको sin π/8 इंटू sin 3π/8 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ। अब ये एंगल कौन सा बड़ा है, 3π/8, हम क्या करेंगे
साइन 3π/8 को पहले लिखेंगे और साइन π/8 को बाद में लिखेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है 2sin A sin B का, तो 2 आना चाहिए, ये लगा दिया 2, लेकिन हमारे प्रश्न में 2 है नहीं, हमने अपनी मर्जी से लगाया, मर्जी हमारी चलेगी नहीं, तो आगे 1/2 कर देते हैं ताकि 2 से 2 कट जाए। हमें 2 से 2 काटना नहीं है, काटना होता तो गुणा क्यों कर दे, ये 2 क्यों लगाया हमने, ताकि 2sin A sin B का फॉर्मूला लगा सके। 2sin A sin B क्या होता है, cos A - B माइनस cos A + B होता है, ये लगा सके हैं, और इसका होल स्क्वायर भी तो है, ये बराबर 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। और अब ये 2sin A sin B जो है, इसको लिखूंगा cos A - B, यानी कि 3π/8 माइनस π/8 माइनस cos A + B, तो 3π/8 प्लस π/8, और स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर 1/4 कर दिया मैंने, 3π/8 में से π/8 घटेगा तो बचेगा 2π/8 माइनस 3π/8 में π/8 जोड़ेंगे तो आएगा 4π/8, बराबर 1/4। 2π/8 का मतलब होता है π/4 माइनस 4π/8 होता है π/2 का होल स्क्वायर। cos π/4 का मतलब होता है cos 45 डिग्री, cos π/2 का मतलब होता है cos 90 डिग्री, cos 40 1/√2 होता है, cos 90 0 होता है, 1/√2 में से 0 घटाएंगे तो 1/√2 ही रहेगा, वन का स्क्वायर 1 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, तो ये 1/8 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस ये देखिए हमको ये सवाल प्रूव करना था, 1/8 हमने कर दिया। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से इसको कर लिया होगा। अब हम लेते हैं असाइनमेंट का प्रश्न। देखिए सॉल्यूशन ऑफ HA इन वीडियो नंबर 11। वीडियो नंबर 11 का जो है क्वेश्चन उसको मैं ले रहा हूं। LHS बराबर क्या है, tan 20 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री बराबर 1। सॉरी बराबर 1 तो नहीं लिखना है, हमने LHS लिखा है, 1 तो हम लाएंगे प्रूव करके। अब यहां आप देखें, ऐसा एक सवाल मैंने पहले भी आपको कराया था पिछले वीडियो में, ये tan 30 ऐसा है जिसकी वैल्यू को पता है 1/√3 होती है, तो tan 30 को हम पहले लिख देंगे, फिर tan 20 लिख देंगे। अब tan 40 को लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और tan 80 को लिखेंगे tan 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब आप देखें अगले पेज चलते हैं, tan 30 हो जाएगा 1/√3, tan 30 हो जाएगा 1/√3, tan 30 इंटू tan 20
टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री इंटू टेन ट्वेंटी, और ये है टेन ए माइनस बी, ये है टेन ए प्लस बी। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो टेन सिक्सटी माइनस टेन ट्वेंटी अपॉन वन प्लस टेन सिक्सटी टेन ट्वेंटी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टेन ट्वेंटी सिक्सटी प्लस ट्वेंटी है। तो टेन सिक्सटी डिग्री प्लस टेन ट्वेंटी डिग्री अपॉन वन माइनस टेन सिक्सटी इंटू टेन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री इंटू टेन ट्वेंटी। टेन सिक्सटी आप जानते हैं रूट थ्री होता है, टेन ट्वेंटी को टेन ट्वेंटी लिखेंगे अपॉन वन प्लस टेन सिक्सटी रूट थ्री होता है इंटू टेन ट्वेंटी रूट थ्री प्लस टेन ट्वेंटी अपॉन वन माइनस रूट थ्री इंटू टेन ट्वेंटी इज इक्वल टू वन बाय रूट थ्री इंटू टेन ट्वेंटी। अब फिर आप देखिएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। मैं इसको ट्वेंटी को ए लिख देता हूं, देखिए बार बार ट्वेंटी नहीं लिखना पड़ा, हमने ट्वेंटी को ए लिख दिया। वन माइनस टेन अपॉन वन का स्क्वायर वन ही होता है, चलो वन का स्क्वायर लिख देता हूँ एक बार, माइनस रूट थ्री का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर लिख देता हूँ, और टेन ट्वेंटी का स्क्वायर होगा टेन स्क्वायर ट्वेंटी, टेन स्क्वायर ए लिख देता हूँ। मैंने ट्वेंटी डिग्री को ए लिख दिया है, तो वन बाय रूट थ्री टेन, क्योंकि ट्वेंटी को मैं ए लिख चुका हूँ, तो टेन ए रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। वन बाय रूट थ्री, अब ये टेन ए जो है ना बाहर है, इसको अंदर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, थ्री इंटू टेन ए तो थ्री टेन ए माइनस टेन स्क्वायर ए इंटू टेन ए टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। यहां मैं एक बात की ओर ध्यान आपका दिलाना चाहूंगा, मैंने देखा है कई बच्चे की मिस्टेक करते हैं, बेसिक मिस्टेक कह लेते उसको कहते हैं अपन, वो कहते हैं बाहर टेन है तो टेन का गुणा इसे भी करना है इसे भी करना है, ऐसी गलती आप लोग ना करें। ये बहुत ही फंडामेंटल मिस्टेक है जो कभी नहीं करनी चाहिए, और कमजोर बच्चे ही ऐसा करते हैं, समझदार बच्चे होशियार बच्चे ऐसी गलती कभी नहीं करते। जैसे ए का गुणा करना है बी अपॉन सी से, तो ये ए इंटू बी अपॉन सी होगा, ये ध्यान रखना, ये नहीं कि ए इंटू बी बटा ए इंटू सी कर दें, ऐसी गलती मत कर देना, क्योंकि आपने अगर ए इंटू बी बटा ए इंटू सी कर दिया तो ए से तो कट जाएगा, केवल बी अपॉन सी रह जाएगा, जब ये तो बी अपॉन सी इंटू ए था। तो ये बात मैं समय समय पर कहता रहता हूँ, वन अपॉन रूट सी थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए जो होता है वो टेन थ्री ए होता है। और वन बाय रूट थ्री टेन थ्री, और ए आपने माना था बीस डिग्री को, तो तीन इंटू बीस कितना हो जाएगा साठ डिग्री, वन बाय रूट थ्री, और टेन साठ कितना होता है रूट तीन, रूट तीन रूट तीन कट जाएगा, इक्वल टू वन, जो कि राइट हैंड साइड है, हेंस प्रूफ। बहुत ध्यान से कीजिएगा, मैं आपके लिए बिल्कुल टेबल पे बैठ के आपको काम करके दे रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे मैं आपके पास बैठकर आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं बोर्ड पे काम नहीं करता हूँ, ना अपना चेहरा दिखाता हूँ, चेहरा दिखाना आवश्यक नहीं है, आपके मन में कोई चीज मेरी समझाई हुई बैठ जाए वो आवश्यक है। मैं कोई ज्यादा इस मामले में टेक्निकली साउंड नहीं हूँ वीडियो बनाने में, हाँ पढ़ा सकता हूँ, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए काम करूँ।
तो मैं किसी अपने साथ में एक्सपर्ट्स को नहीं रखता, मैं अपने मोबाइल से ये काम करता हूँ। जो मेरे पास बहुत सारा धन होगा तो हो सकता है कि मैं एक स्टूडियो खोल लूँ, और आप लोग अगर थोड़ा सा सहयोग करेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, हो सकता है कि एक साल के बाद मेरा स्टूडियो हो जाए और मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ। तो मेरी रेंज बहुत बड़ी है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, सिविल में जो डिप्लोमा कर रहे हैं उनके लिए तो मैं काम करता ही रहता हूँ छठे सेमेस्टर तक। जो सिविल में बीटेक कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत काम करता हूँ, मेरे पास रेगुलर बैचेस आते ही रहते हैं महत्वपूर्ण विषयों के लिए। उसके अलावा आईआईटी की मैथमेटिक्स की मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, 12th, 11th, 10th वगैरह बच्चे आते रहते हैं सीबीएसई आरबीएसई के। और उसके अलावा बहुत सी मेरी रेंज है। मैं बैंक कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, यानी मैथमेटिक्स जहाँ भी होती है, चाहे वो सीए फाउंडेशन हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा की तैयारी करनी जिसमें मैथ्स आती हो, वो मैं कराया करता हूँ। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मुझसे बहुत कुछ मिले, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियोज आपको मिलते ही रहेंगे। और एक बड़ी बात, आप अगर मुझे एक मैसेज करके बताएंगे ये सवाल हमको करना है, तो मैं वो सवाल भी वीडियो में बना के दे दूंगा यूट्यूब पर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। साइन 22.5 डिग्री, इसकी रूट निकालनी है अपन को। देखिए, अपन फॉर्मूला जो काम में लेंगे, आप जानते हैं ना कि 1 - 2 sin² θ जो होता है वो cos² θ होता है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था, इसका मतलब 2 sin² θ जो होगा वो 1 - cos² θ हो जाएगा। इसका मतलब जो sin² θ होगा वो 1 - cos² θ अपॉन 2 हो जाएगा, और इसका मतलब जो sin θ होगा वो 1 - cos² θ अपॉन 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है, 1 - 2 sin² θ जो होता है वो cos² θ होता है, इस बात से याद रखना। अब अगर मैं ये जो थीटा है इसको 22.5 डिग्री लिख दूं, तो 2θ जो है वो 22.5 का दोगुना यानी 35 डिग्री हो जाएगा। तो यहां मैं कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इसको मैं sin θ लिख देता हूं। मैंने 22.5 डिग्री को थीटा लिख दिया, और sin θ का फॉर्मूला अंडर रूट 1 - cos² θ/2 होता है, फॉर्मूला है। नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, तो 1 - cos² θ हो जाएगा 45 डिग्री अपॉन 2। बराबर अंडर रूट 1 - वापस लिख देता हूँ cos 45 / 2। बराबर अंडर रूट 1 - cos 45 1/√2 होता है, अंडर रूट। अब देखिएगा, ये अपॉन लगाया पहले मैंने, ये 2 नीचे ही है, और उसको मैं 1 को 1/1 मान लेता हूँ। 1 और √2 का एलसीएम आएगा √2, √2 को 1 से डिवाइड करेंगे, √2 × 1 करेंगे √2, √2 को √2 से डिवाइड करेंगे, 1 × 1 करेंगे तो 1, ये हो गया। अब देखिए, ये √2 - 1 है कि नहीं है, √2 - 1 अपॉन ये √2 नीचे आ जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, √2 - 1 अपॉन 2√2 का अंडर रूट, और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। रूट में √2 - 1 / 2√2, देखिएगा रूट में √2 - 1 / 2√2। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन तीन क्या था, कॉस 22.5 डिग्री, इसको भी मैं कॉस थीटा लिख देता हूं, जहां मैंने 22.5 डिग्री को थीटा लिख दिया। और देखिएगा, हमने आपको बताया था पहले कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 cos² θ - 1 होता है, इससे आपको 2 cos² θ मिल जाएगा, 1 cos² θ। मैंने पहले भी कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इससे आपको cos² θ मिल जाएगा, 1 cos² θ / 2, और इससे आपको cos θ मिल जाएगा, √1 cos² θ / 2। ये cos थीटा की वैल्यू, √1 cos² θ / 2, ये cos थीटा है, तो √1 cos² θ / 2। अच्छा, यहाँ एक और बात है कि जब अपन रूट लेते हैं ना, जैसे √4 लिया, तो इसकी वैल्यू +2 भी होती है, -2 भी होती है, इसको हम +-2 लेते हैं, तो इसका जो रूट लेंगे तो वैल्यू प्लस में भी आएगी माइनस में भी आएगी, लेकिन हम माइनस के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें 22.5 डिग्री का कोस चाहिए। 22.5 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल इज ऑल डिग्री आर पॉजिटिव। वो जो पिछला क्वेश्चन था ना साइन 22.5 का, वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था 22.5 डिग्री, वहां आंसर हमने प्लस में लिखा था। अगर वो एंगल कुछ और होता था, उस क्वाड्रेंट के हिसाब से तय करते साइन बराबर √1 cos² θ हो जाएगा 45/2 बराबर √1 + 1/√2/2 √, ये देखिए आप √2 + 1 आ जाएगा ऊपर, √2 + 1, और ये √2 से गुणा जाएगा 2√2, √2 + 1/√2, और यही हमारा आंसर भी है। देखिएगा √√2 + 1/√2, ये पूरा रूट में आना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 10 ½ डिग्री, 10 ½ डिग्री, ये थोड़ा सा अलग है। देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है tan 2a का, 2 tan a / 1 - tan² a होता है ना, ये हमारे पास tan 2a का फॉर्मूला है। हम क्या करते हैं कि कुछ समय के लिए 22.5 डिग्री को a मान लेते हैं, मैंने 22.5 डिग्री को a मान लिया, तो ये 10 ही हो गया। अब ये जो 22.5 डिग्री है जो आपने a को माना है, वो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, 22.5 डिग्री बराबर है आप इस फॉर्मूले, तो 10 2a, तो 2 × 22, 2 tan a, तो 2 tan² 22, 1 - tan² a, तो 1 - tan² 22.5 डिग्री, ठीक है, 10। 22.5 डिग्री को 2 से गुणा करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। अच्छा, 10 ½ तो मुझको निकालना है, 10 ½ डिग्री मुझको निकालना है, हम एक काम क्यों ना करें, हम 10 ½ को x मान लेते हैं, तो 2x / 1 - x², हम जैसे ही x निकालेंगे द्विघात समीकरण से फ्रॉम अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x निकल जाएगा, x निकलेगा तो हमने x माना है 10 ½ को, तो 10 ½ भी निकल जाएगा। इट मींस tan 45 1 होता है, 1 को मैं 1/1 कह सकता हूँ, 2x / 1 -
x square. Now cross multiplication. So 2x into 1 is equal to 1 minus x square into 1. 2x is equal to 1 minus x square by cross multiplication. By cross multiplication. तो इधर लाएंगे तो x square minus sorry x square plus 2x ये आएंगे इधर को minus x square इधर के plus को हो जाएगा ये पहले से plus ही है और plus में इधर आएगा तो minus 1 बराबर 0 x square plus 2x minus 1 बराबर 0 देखिए फिर याद दिला तो हमने क्या किया था हमने 2.5 डिग्री को a मान लिया और tan 2a होता है 2 tan a upon 1 minus tan square a या मैंने एक को 22.5 माना तो ये tan 2 एक जगह tan 45 हो गया और ये 2 tan 22.5 बटा 1 minus tan square 22.5 और tan 22.5 को मैंने x कह दिया तो हमारे पास बन गया 1 is equal to 2x upon 1 minus x square so 2x into 1 यानी 2x बराबर 1 into 1 minus x square यानी कि 1 minus x square अब अपन लगाएंगे सीधराचार्य फॉर्मूला अभी आप जानते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो जब होता है एक्स की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू होता है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है सॉल्व करने के लिए हमारे इस क्वेश्चन में ए कितना है वन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है ये बी एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ दो है एंड सी कांस्टेंट यहाँ पर माइनस वन है ये सभी वैल्यू अपन अगर इसमें रखेंगे तो हमको एक्स मिल जाएगा फॉर्मूला ये रहा माइनस बी तो माइनस बी की जगह दो प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि दो स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए का मतलब वन और सी का मतलब माइनस वन अपॉन टू ए तो टू इंटू वन देख रहे ना माइनस बी तो बी है दो तो माइनस दो प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर दो स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी ए वन और सी है माइनस वन अपॉन टू ए दो का स्क्वायर चार माइनस इंटू माइनस प्लस चार एकम चार बटा दो माइनस दो प्लस माइनस अंडर रूट आठ बटा दो माइनस दो प्लस माइनस और आठ का रूट होता है टू रूट टू और भाई आठ का रूट निकालना है आठ होता है चार इंटू दो चार का रूट होता है दो और वो रूट दो में रह जाएगा आठ का वर्गमूल होता है टू अंडर रूट टू अपॉन टू अब ये प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं अगर मैं प्लस लूं तो आंसर प्लस में आएगा क्योंकि टू रूट टू टू से बड़ा होता है लेकिन अगर माइनस लूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे माइनस टू रूट टू और हमें निकालना है टेन 22.5 डिग्री और 22.5 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव हम क्या करेंगे माइनस टू प्लस लेंगे टू रूट टू अपॉन टू दो कॉमन आ जाएगा तो माइनस वन प्लस रूट टू अपॉन टू इस दो से दो कट जाएगा यानी कि एक्स बराबर रूट टू माइनस वन पर आपने एक्स किसको माना था आपने एक्स माना था यहाँ देखिएगा आपने एक्स माना था यहाँ पे इसको टेन 22.5 को आपने टेन 22.5 डिग्री को एक्स माना था देखिए टेन 22.5 डिग्री को मैंने यहाँ पे एक्स कहा है एक्स आ गया मतलब कि टेन 22.5 डिग्री आ गया ये वैल्यू एक्स की है यानी कि टेन 22.5 डिग्री की है रूट टू माइनस वन ये हमारा आंसर आ गया देखिएगा रूट टू माइनस वन अब इस वीडियो के
अंतिम दो प्रश्न अपने पास जगह बची है, हो जाएंगे आराम से। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, हमें क्या प्रूव करना है, 1 sin 2 theta upon 1 - sin 2 theta = 10 square pi by 4 plus theta। देखिए इस सवाल को LHS से भी कर सकते हैं, RHS से भी कर सकते हैं। LHS से करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 1 को लिखेंगे cos square theta plus sin square theta, sin 2 theta को 2 sin theta cos theta, ये cos theta plus sin theta का whole square हो जाएगा, वो cos theta minus sin theta का whole square हो जाएगा, यानी कि cos theta plus sin theta upon cos theta minus sin theta का whole square। फिर अपन numerator और denominator दोनों को cos theta से भाग लगा देंगे, तो 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta का whole square बन जाएगा। वो आगे करके ला देंगे, लेकिन मैं RHS से LHS लेके आऊंगा, आप देखिएगा आसान लगता है मुझे। आप इस सवाल को कैसे भी कर सकते हो, पर मैं इसको RHS से शुरू करता हूँ, राइट हैंड साइड से। क्या राइट हैंड साइड, वो है tan square pi by 4 plus theta, tan square pi by 4 plus theta, यानी कि हम कह सकते हैं इसको tan square pi by 4 का मतलब होता है 45 degree plus theta, यानी कि tan 45 degree plus theta का होल स्क्वायर। अब tan a plus b क्या होता है, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, ये हो जाएगा tan 45 degree plus tan theta upon 1 minus tan 45 degree into tan theta, इसका होल स्क्वायर। tan 45 होता है 1 plus tan theta upon 1 minus 1 into tan theta का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 plus tan theta को कह सकता हूं मैं sin theta बटा cos theta अपॉन 1 माइनस 1 इंटू टेन को फिर साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिएगा कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो कॉस थीटा माइनस 1 into sin theta, sin theta ही होता है का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। एक्चुअली ऊपर cos theta आएगा, इस लाइन के बटे के लाइन के ऊपर cos theta अपॉन में आएगा, और नीचे भी अपॉन में cos theta आएगा, वो हम मान के चल रहे हैं कि cos theta से cos theta कट गया, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख ही नहीं रहा हूँ। ये हो गया cos theta plus sin theta का होल स्क्वायर अपॉन cos theta minus sin theta का होल स्क्वायर। आगे चले, अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूले लगा दिए, और अब आप ये जानते हो कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है 1, और 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1, ये फिर 1 हो गया, और माइनस साइन 2 थीटा, और यही हमको इसमें प्रूव करना था, ये LHS है। हैंस प्रूफ RHS से LHS में लाना आसान है, देखिएगा ये वाला, ये हो गया।
और अब करेंगे हम अंतिम क्वेश्चन जो हमने पिछले असाइनमेंट में आपको डाला था, छठा। हमें प्रूव करना है cot theta minus tan theta is equal to 2 cot 2 theta. I am taking LHS. ये है cot theta minus tan theta. हमें प्रूव करना है 2 cot 2 theta. देखिए ये बहुत आसान प्रश्न है. नॉर्मली आसान प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आते हैं. ये पिछला जो क्वेश्चन मैंने भी किया था 5, ये भी बहुत आसान था. ऐसे क्वेश्चन आपके 8 मार्क्स में आएंगे. मुझे पूरी आशा है कि ये क्वेश्चन आपके, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये वाला, अभी जो मैंने किया था ये वाला, इसको मैं 4 स्टार लगा रहा हूं. ये सवाल आपके 8 नंबर के क्वेश्चन आना चाहिए. मैं आपके जो परीक्षा होगी 1 फरवरी 2024 को, उसके एक दिन पहले तक वीडियो बनाऊंगा और आखिरी जो 3 दिन होंगे यानी कि 29, 30, 31 जनवरी, उसमें मैं आपके लिए कुछ मॉडल पेपर्स लेके आऊंगा. संभवतः 3 मॉडल पेपर्स, उनको आप कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे. तो मेरे वीडियोस को देखना ना भूलें. कॉट थीटा, ये कॉट थीटा अपॉन साइन थीटा होता है. टेन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है. एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको से डिवाइड करेंगे साइन थीटा कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. इसको से डिवाइड करेंगे कॉस थीटा कट जाएगा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा. अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं कॉस 2 थीटा होता है. और ये साइन थीटा कॉस थीटा है. एक्चुअली मैं इसको 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूं, और चूंकि मैंने 2 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी मैं 2 से गुणा कर देता हूं. मैंने ये जो दिख रहा है बटे की लाइन, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कॉस 2 थीटा बटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है वो साइन 2 थीटा होता है. इसको मैं 2 इंटू कॉस 2 थीटा बटा साइन 2 थीटा कह सकता हूं. और आप जानते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है, सो इट इज 2 इंटू कॉट 2 थीटा, जो कि आपका आरएचएस है. देखिएगा 2 cot 2 theta, 2 cot 2 theta, ये RHS है. Hence, ठीक है. तो इस तरह से मैंने आपके लिए ये वीडियो पूरा कर दिया है. मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. तो फिर आपसे मैं अपनी ओर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. हमारे जो सब्सक्रिप्शन अभी 1.5K है, तो आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर हम चाहते हैं कि कम से कम 3K हो जाए. 15,000 बच्चे अगर एग्जाम देंगे, उसमें से 25% बच्चे भी अगर वीडियो देखेंगे तो वो करीबन 3,500-4,000 होते हैं. और उनमें से अगर आधे भी सब्सक्राइब कर दें तो भी 1.5 से 3K तो हो ही जाएगा. और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स जरूर डालें. थैंक यू. इट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो फ्रॉम राजेंद्र भैया जी. याद रखें, राजेंद्र भैया जी विद्या भारती भारत, विद्या भारती के लाखों विद्यालय पूरे भारतवर्ष में हैं जो बहुत अच्छी पढ़ाई ही नहीं कराते हैं सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां बहुत अच्छी पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि जिनको भारतीय संस्कृति से सुपरिचित कराते हुए सारा काम किया जाता है. तो ना भूलें इनको, और जरूर किसी निकट
आदर्श विद्या मंदिर जो कि विद्या भारती से संबद्ध है, ये कई नामों से भी है, कई जगह सरस्वती बाल मंदिर भी है, कुछ और नाम भी हो सकते हैं, लेकिन मूलतः ये आदर्श विद्या मंदिर से प्रसिद्ध है। आप जरूर पधारें और अवलोकन करें। धन्यवाद।